Good morning, class 12. Now, class 12, today in this session we are going to discuss, today we are going to learn how to convert galvanometer into ammeter. ठीक है, galvanometer को कैसे ammeter में convert करते हैं, that we are going to learn. In the previous video where we have discussed about the types of galvanometer, we have learned about different suspended type of galvanometer and pivoted type of galvanometer. हम लोगों ने सीखा है उसके बारे में. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू के व्हाट इज एमीटर. एमीटर से आप करते क्या है. एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरीज में ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम यू हैव सीन दैट एमीटर. देखा होगा आपने एमीटर को. एमीटर की हेल्प से हम लोग बेटा क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एमीटर वी मेजर द करंट. ओके, करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं. जनरली जो आपकी लेबोरेटरीज में एमीटर्स हैं या होंगे या वट एवर इट इज, दे आर इन अ रेंज ऑफ 1.5 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर. तो 0 से लेके 1.5 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हैं उससे, और 0 से लेके 3 एम्पियर तक आप उससे मेजर कर सकते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज के हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर. अब जो गैल्वेनोमीटर है, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू. देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देयर इज अ सेंटर मार्क 0. ओके, एक 0 मार्क है, 0 के इधर भी स्केल है और 0 के इधर भी स्केल है. सो दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मेजर करेगा. ओके, गैल्वेनोमीटर भी करंट की वैल्यू को ही बताएगा, बट इट्स ऑल्सो टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, जो नीडल है उसकी अगर 0 में रीड करे तो दैट मीन्स द करंट इज नॉट फ्लोइंग, बट इफ इट इज इन द लेफ्ट और इफ इट इज इन द राइट, मीन्स के नीडल जो है उसकी कई कई बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, कई बार क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इट्स टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड इवन विद द डायरेक्शन इट्स टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर सर्किट. सो नाउ वट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. नाउ सी हियर, सी द सर्किट डायग्राम के हाउ द सर्किट इज ड्रॉन. सर्किट ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, सर्किट बड़ा ही सिंपल है इसका. नाउ वी आर हैविंग अ से दिस इज द, हमने क्या किया, यहां से दिस इज सर्किट कमिंग, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्टंट लगा देना है ऑफ लो रेजिस्टेंस. इसका नाम हमने क्या रख दिया, एस रख दिया. वी हैव कनेक्टेड दिस विद द गैल्वेनोमीटर. हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्टंट को कनेक्ट कर दिया. वी आर कनेक्टिंग अ स्टंट, स्टंट एस. एस क्या है, स्टंट है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ. अब देखो यहां से आपका करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है. पहले ये जो आई करंट था स्ट्रेट अवे इट गोज टू दिस, इसमें जाना था इसको, लेकिन अब क्या होगा, इट इज फ्रॉम यहां तो जाएगा, यहां से कुछ पार्ट सपोज यहां पर चला गया आई जी, यहां से करंट आई आया, यहां पे चला गया आई जी, इसमें कितना आ गया, से इट इज आई माइनस आई जी. ओके, सो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट इस आई को करना है. से दोनों का मैं वोल्टेज अगर देखूं, से यहां पे हम लोग वोल्टेज कहते हैं कि इसमें जो वोल्टेज फ्लो कर रही है, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सपोज यहां पे जो वोल्टेज है से इट इज वी जी, यहां पे जो वोल्टेज है सपोज वो कितनी है, से इट इज वी एस. वी नो के पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, इट इज इक्वल. सो लेट अस फाइंड इट आउट, पहले वीजी को फाइंड आउट करते हैं फिर वीएस को फाइंड आउट करते हैं. तो जब मैं वीजी को फाइंड आउट करूंगा तो वीजी विल बी इक्वल्स टू आई आर बाय द ओम्स लॉ. वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है. सो आई मीन्स वॉट, आई मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गैल्वेनोमीटर. सो आई मीन्स आई जी एंड जी मीन्स द R means the resistance of the galvanometer. Say this is my first equation. ये क्या हो गई, आपकी first equation हो गई. Now come to the second part of this the circuit. Say Vs. So Vs कितना आएगा, Vs will be IR again by the Ohm's law. तो I means I minus IG. I minus IG and what is the value of R? R this time will be S now. Okay, this is the second equation. करना क्या है, वी नो के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू. इक्वेशन वन और टू को क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेट कर रहा हूं. तो इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट वी जी इक्वल्स टू
Vs. What is the value of Vg? The Vg is Ig and equals to I minus Ig into S. So S की वैल्यू डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो S हो गया वो कितना हो गया, S विल बी इक्वल्स टू Ig अपॉन I माइनस Ig. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S. तो अगर सपोज S को कैलकुलेट करना हो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट S, तो S को तो आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट माई एम इज नॉट टू मेजर द वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि एस तो नोन है, मुझे पता होगा, मैं लगा रहा हूं तो एस की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे पता होगी. मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस आई फ्लोइंग इन द सर्किट. इस आई की स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. सो फॉर फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट व्हाट शुड आई डू, मैंने क्या किया. सो माई इक्वेशन इज, से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये से थर्ड इक्वेशन है ये. सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, क्या है इक्वेशन थ्री, आई जी एंड यहां से कितना आ जाएगा, आई एस माइनस आई जी एस. सो मैंने क्या किया, शिफ्ट किया इसको. जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी आई जी एस इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू आई एस इक्वल्स टू आई एस. सो यहां से क्या हो गया, this Ig is common, Ig we can take common, so we get G plus S equals to I and S, so I equals to Ig G plus S upon I. So this is the value of the current flowing in the circuit. तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, करंट की वैल्यू सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वी कैन फाइंड इट आउट. एंड ओके, सो वी कैन फाइंड इट आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. नाउ इफ सपोज आई वॉन्ट टू चेंज दिस गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टमीटर में. सो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर्किट लगभग आपका ऐसा ही रहेगा. एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच्ड कर देंगे सीरीज में. यहाँ पे पैरेलल में लगाया था बट यहां पर क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. सो सपोज ये आपका सर्किट है, दिस इज द सर्किट. से यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है. मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, से ये आर लग गया. ओके, दिस इज आर, जो वोल्टेज है, सपोज यहां पे वोल्टेज कितनी है, वी है. ओके, सो वी नो के आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर. आई इक्वल्स टू क्या है, वी अपॉन आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, द वैल्यू ऑफ वी विल बी वी ओनली एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बी आर प्लस जी. सो वी गेट, ये कौन से वाला करंट है, दिस करंट इज आई जी. दिस करंट इज आई जी. मुझे क्या करना है, मुझे वोल्टमीटर करता क्या है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है. सो मुझे क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है. सो वी कैन से के वी फ्रॉम हियर विल बी इक्वल्स टू आर प्लस जी एंड यहां से कितना आ जाएगा, दिस आर प्लस जी. और वी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ वी विल बी वी ओनली बट इन प्लेस ऑफ दिस. हाँ ठीक है, आई जी इक्वल्स टू वी प्लस जी आर एंड माई वी इक्वल्स टू दिस मच. ये आपका क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी. एंड आफ्टर दिस इफ सपोज मुझे आर की वैल्यू निकालनी हो, सपोज रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो, तो रेजिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. यहां से आप वोल्टेज को एटलीस्ट कैलकुलेट कर ही सकते हैं, यहां से वोल्टेज को कैलकुलेट कर ही सकते हैं. अगर सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि ये रेजिस्टेंस मैंने कितना लगाया है, तो दैट मीन्स आर को सब्जेक्ट बना दो यहां से. सो वी गेट आई जी आर प्लस आई जी जी इक्वल्स टू वी. क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है. सो आई जी आर इक्वल्स टू वी माइनस आई जी जी. सो फ्रॉम हियर आर इक्वल्स टू वी माइनस आई जी अपॉन जी और अपॉन कितना आई जी. सो वी कैन से कि आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी एंड प्लस एंड माइनस हाउ मच, माइनस जी.
So this is the value of R which we have calculated from the given equation. Okay, so in this way we can convert galvanometer को ammeter में convert कर सकते हैं. galvanometer को हम लोग क्या कर सकते हैं, voltmeter में convert कर सकते हैं. So in this way we can convert. So these two are the last topic of this chapter. Now tomorrow what we are going to do, हम लोग क्या करने वाले हैं, let us start with a new chapter, नया chapter start करेंगे, या we will discuss few questions of the of this chapter. Okay, so for today only this much. Thank you very much.